आज हम लोग बात करने वाले हैं कलर मिक्सिंग के ऊपर। तो हम लोग कलर मिक्सिंग के ऊपर चार प्रकार का होता है, वो मैं बता देता हूँ एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि मैं ईयरबड से यूज करूँ और ऐसे रफ करके करूँ। और सेकंड जो होता है वो है टिश्यू का भी यूज करके रफ करके होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी थोड़ा देर में। और थर्ड जो है वो मैं उंगली से भी यूज कर सकता हूँ, कलर के बाद मैं उंगली यूज कर सकता हूँ रफ करने में और मिक्स करने में। और जो चौथा है वो स्वयं कलर ही है, कलर से ही मिक्स करना होता है। तो चार मैंने खाप बनाया है, मैं चार प्रकार का आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। दो मैं इसमें करने वाला हूँ, तो आप लोग देख लीजिए और बताइएगा कैसा लगा। सबसे पहले जो कलर यूज करेंगे वो ये रहा, कलर यूज करेंगे कैमल का ऑयल पेस्टल 25 शेड वाला। आपको कोई और कलर नहीं लेना है, ये कलर मैं पहले से यूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने कलर यूज किया हुआ है पहले, तो यही इससे यूज करके आज बनाने वाले हैं। तो मैं कलर पहले निकाल लेता हूँ फर्स्ट के लिए, तो मैं कलर पहले देख लेता हूँ फर्स्ट में कौन सा करना है। सनसेट टाइप ही करेंगे, तो उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में कि कौन सा मैं किससे करने वाला हूँ, तो आपको आसानी होगा पहचानने में कि कौन सा किससे किया हुआ है। तो मैं पहले मार्कर ले लेता हूँ और ऊपर में मैं पहले लिख देता हूँ सिंपली भाषा में, ताकि आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं ई बर्ड लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ईयर बर्ड से ये फोकस क्यों नहीं कर रहा। हाँ अब किया, तो ई बर्ड्स मैंने लिखा, ईयर बर्ड है। और सेकेंड में जो है मैं टिशू का यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे टिशू लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट से, आप लोग समझ जाइए। और वो हो गया। और जो थर्ड में है वो हम लोग फिंगर यूज करने वाले हैं, तो क्या लिखे, फिंगर लिख देते हैं डायरेक्ट, मैं फिंगर ही लिख दे रहा हूँ, फिंगर का यूज करके मैं मिक्स करने वाला हूँ। और जो फोर्थ है वो कलर से करेंगे, तो कलर लिख दे रहा हूँ। ओके, तो एक दो तीन चार, तो चारों हो गया। और मैं चारों यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको समझा करके, और इसको मैं साइड में रखता हूँ। और मैं जो कलर यूज करने वाला हूँ वो मैं देख लेता हूँ कौन सा लूँगा। तो कलर करेंगे सनसेट टाइप का, रेड ऑरेंज एंड येलो का। मैं पहले निकाल लेता हूँ रेड ऑरेंज येलो, मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड, ये रहा, रेड भी है ऑरेंज भी है और येलो भी है। तो रेड ऊपर में करेंगे एंड मिडिल में जो है ऑरेंज करेंगे, ऊपर डार्क रखेंगे। ओके, ऊपर डार्क, फिर मिडिल और फिर लाइट, डार्क मिडिल एंड लाइट। ओके, ऊपर से नीचे के साइड में आएंगे, ऊपर डार्क होगा नीचे लाइट होगा। कोई भी कलर करने से पहले, चाहे वो कोई भी कलर हो, मैं पहले रेड ले लेता हूँ। और कोई भी कलर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले मिडिल तक मैं करूँगा, उसके बाद मैं आधा के बाद करूँगा उससे। ओके, वो मैं दिखा दिया। और हाँ, जो मैं बोल रहा था कि कोई से भी कलर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हल्के हाथों से करना है, चाहे वो ऑयल पेस्टल हो या वाटर कलर हो। तो मैं वहाँ तक करने के बाद मैं ऑरेंज कर रहा हूँ। जो मैं बोल रहा था कि ऑयल पेस्टल हो या वाटर कलर हो, आपको हल्के हाथों से करना है, कोई भी कलर डीप या ज़्यादा ऐसे करके नहीं करना है। तो मैंने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है वाइट वाइट सा। तो मैं फर्स्ट लेयर को पहले मर्ज करूँगा थोड़ा सा, मैं पहले ईयरबड निकाल लेता हूँ। ये गिर ही गया यार, उठाओ उसको, हटा इसको, उठाते हैं उसको, ये रहा। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसका जो मुँह है कुछ इस टाइप का है, फिर गिर रहा है यार। हाँ, तो ये देख लिया आपने। तो इससे हम लोग मर्ज करते हैं फर्स्ट लेयर को। फर्स्ट लेयर मर्ज करने से क्या होता है ना, वो जो सरफेस है जहाँ पे हम लोग कलर कर रहे हैं वहाँ का जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट लेयर हम लोग करेंगे उसमें कलर एकदम ब्राइट कलर आएगा एंड मस्त दिखेगा वो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, मैं पहले इसको मर्ज कर लेता हूँ, देन मैं वही सेम रिपीट करूँगा कलर। तो आप लोग देखिए कलर में कितना डिफरेंस आया, आप लोग देख के समझ सकते हैं कि फर्स्ट लेयर देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैं पहले मर्ज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ फर्स्ट लेयर का फ़ायदा क्या होता है। इसलिए लेयर वाइज मैं काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फर्स्ट लेयर हो चुका है, हम लोग सेम रिपीट करेंगे सेकंड लेयर के लिए, उसको पहले हटाते हैं और हम लोग सेकंड लेयर वही कलर देंगे। तो मैं फिर से रेड कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिए बस कलर देख रहे हो ना कितना मस्त कलर आ रहा है, रेड कलर। इसीलिए मैं बताया था कि यहाँ पर जो है स्मूथ हो जाता है ऐसे करने में, तो ये फर्स्ट लेयर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कितना ब्राइट कलर आ रहा है, और हम लोग फिर से वही मर्ज कर ले रहे हैं, सेम कलर सेम पैटर्न। मर्ज करना होगा तो कलर के ऊपर कलर थोड़ा सा चढ़ा दीजिएगा तो वो मर्ज हो जाएगा, और स्मूथ करना हो तो उसी लिए हम लोग ब्लाइंड करते हैं स्मूथ करने के लिए। तो इसका हम लोग ब्लाइंड करके यूज करेंगे, जो कि हम लोग फर्स्ट वाला में यूज कर रहे हैं ईयरबड का। तो हम लोग फिर से लेते हैं ईयरबड, और सेकेंड लेयर कम्प्लीट होने के बाद फिर से हम लोग ईयरबड से उसको मर्ज करेंगे एंड स्मूथ करेंगे कलर को। तो मैं फिर से कलर कर ले रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग, हल्के हल्के हाथों से ही करना है आपको, ना ज़्यादा प्रेशर देना है ना कुछ करना है,
और ईयरबड में ना पहले जो कलर कर रहे हो ना वो कलर ऊपर में लगा लेना थोड़ा सा, ताकि वो स्मूथ हो जाए, नहीं तो कलर उठेगा वहाँ से। और कोना कोना में भी ध्यान रख के मैं कर रहा हूँ। ईयरबड से ठीक ही है, ईयरबड से करना बहुत आसान भी है, और पकड़ने में पेंसिल टाइप का है तो ईजी होता है करने में, सारा कोना कोना छोटा छोटा काम इससे कर सकते हैं। टिशू मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा बाद में, टिशू क्यों नहीं अच्छा लगता वो भी मैं बताऊँगा। और इससे मैं पहले कर लेता हूँ, इससे पेंसिल टाइप का है ना, पेंसिल में पकड़ने जैसा है तो अच्छा लगता है इससे करने में, एंड इससे अच्छा ब्लाइंड भी होता है। आप लोग देख लीजिए कैसा हो रहा है, येलो और ऑरेंज में थोड़ा सा सही से नहीं हुआ है, बट फिर भी हुआ है, आप लोग देख के समझ ही सकते हो। और फिर जब लास्ट में जब टेप हटा दूंगा ना, तब आप देखना कितना अच्छा लगेगा देखने में, तब देखना। तो इसको मैं कर लिया तो ये रहा कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम लोग बोलेंगे सेकेंड वाला में, टिशू वाला में, और मैं टिशू का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊँगा। तो ईजिली पहले इसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा, दूसरा कलर दूसरा में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और सेकेंड वाला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, सेकेंड वाला आप यूज़ करेंगे। इसके लिए कलर में लेता हूँ तीन कलर, वायलेट, पर्सन ब्लू एंड लाइट ब्लू। सबसे पहले इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें ऊपर डार्क था, इसमें नीचे डार्क होगा, ओके। नीचे से डार्क एंड ऊपर लाइट। तो सबसे पहले हम लोग डार्क कलर करेंगे, वो भी हल्के हाथों से। मैं पहले ले लेता हूँ एक कलर और इसको मैं हल्के हाथों से फिल कर देता हूँ पूरे पोर्शन में। फिर मैं वही सेम टाइप, सेम आधा दिया, आधा के बाद फिर आधा दूसरा कलर, फिर आधा लाइट कलर, ऐसे डीप मीडियम एंड लाइट कलर का ऐसे करके यूज करना है। आपको जहाँ कलर मिक्सिंग करना है वहाँ पे, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको डार्क से लाइट ही जाना है, आपका दूसरा भी कलर हो सकता है। आप लोग बस मर्ज करना मैं सिखा रहा हूँ। इसके पहले बाद मैं ले लेता हूँ टिशू और इसको थोड़ा सा ऐसे करके भाज करके ऐसा उंगली में बना लेना, ठीक है। अब इसी से हम लोग मर्ज करेंगे। और ये फर्स्ट लेयर है, ध्यान रखिएगा, आप लोग देख लीजिए, हाँ ये मेरा फर्स्ट लेयर है, वो सेकंड लेयर नहीं है। हम लोग फर्स्ट लेयर को मर्ज कर रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ मर्ज होने के बाद ऐसा लगता है फर्स्ट लेयर में, और सेकंड लेयर में आप लोग देखिए, थोड़ा सा रुकिए, आपको दिखाता हूँ सेकंड लेयर में कैसा लगता है। और चारों होने के बाद मैं लास्ट में कुछ टिप्स रखा हूँ आप सभी के लिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टिप्स, आप लोग देखिएगा, आप लोग का काम आएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया है, अब हम लोग इस पर सेकेंड लेयर चलाएँगे सेम पैटर्न यूज करके। मैं कलर उठा लेता हूँ डार्क कलर, ये नहीं ये रहा, तो इससे हम लोग फिर से वही रिपीट करेंगे सेकंड लेयर में, ओके। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, और इसको हम लोग फिर से पैटर्न फॉलो करके सेम वही हम लोग रिपीट करेंगे पूरा, और करके मीडियम कलर देके फिर लाइट कलर देंगे। सेम पैटर्न है, सब में पैटर्न सेम ही रहेगा, बस मर्ज करने का अलग अलग चार वे होता है, वो मैं कैसे किया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर में भी कर लिया और बीच में भी थोड़ा सा कर लिया। अब जो सेकंड लेयर कंप्लीट हो चुका है, फिर से हम लोग टिशू का थोड़ा सा ऐसा करके बनाएंगे और ये इसमें ऐसा करके कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इससे जो हम लोग मर्ज करेंगे ना, तो इससे मर्ज करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा ऐसा करके उंगलियाँ बनाना पड़ेगा। उंगलियाँ बना करके जब आप लोग इसमें रफ़ करोगे, जब इसको स्मूथ करने के लिए इसमें ऐसे करके करोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये जो है ये ऐसे उठाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको, जब मर्ज करने जाओगे आप लोग देखो ऐसे करके उठाएगा। इसमें का जो कलर है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उससे अच्छा तो मुझे ये लगा, इससे अच्छा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें ऐसे भी कलर उठ के आ जा रहा है, तो कलर वहाँ पे जो है एक्चुअल कलर वो दिख नहीं रहा है अच्छे से। जैसा इसमें रेड जैसा ब्राइट है ना, वैसा देखो नीचे में उसका ब्राइट नहीं आ रहा है, वही मैंने सेकेंड लेयर दिया है तब भी ब्राइट नहीं आ रहा है, यार मैं मर्ज कैसे करूँ, इसलिए मुझे टिशू करना यूज उतना भी अच्छा नहीं लगता है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग कर सकते हैं, रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है, तो आप लोग देख लीजिए कैसा रिजल्ट आया है सेकेंड वाला में, सेकेंड लेयर मर्ज करने के बाद। और ये टिशू से हो रहा है, ऊपर मैं आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और मैं थर्ड वाला करने वाला हूँ अब, वही फिंगर का यूज करके। इसमें मैं लूँगा ब्राउन और ओकर और येलो, तो इसमें ये ऐसे करेंगे। और इसमें डार्क ऊपर होने वाला है, ऊपर का पोर्शन में डार्क यूज कर रहा हूँ कलर, और इसमें लोग फिंगर का यूज करेंगे। तो फिंगर ये ब्राउन कलर है, फिंगर का यूज करने वाले हैं। तो इसमें पहले हल्के हाथों से पहले कर लेते हैं फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर करने के बाद फिर से हम लोग मर्ज करेंगे और सरफेस को स्मूथ करेंगे एंड देन फाइनल कलर करेंगे। तो मैं सेकेंड में देता हूँ मीडियम में, हल्के हाथों से करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा डार्क अप लोग को नहीं करना है। तो मैं फिर से यहाँ पर दे रहा हूँ, फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया,
अब मैं सेम पहले हाथों से मैं उसको करके ऐसे करके यूज करके ऐसे करके घस के करने वाले हैं। तो उससे मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा हो रहा है कलर और कैसा आ रहा है फर्स्ट लेयर में। ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट लेयर है और जिस साइड में वे में आप लोग कलर किया है उसी साइड में इसको मतलब रफ करना है। जैसे कि मैं थोड़ा सा तिरछा किया हूँ तो मैं सीधा सीधा नहीं टान रहा हूँ उंगली को, मैं तिरछा ही उंगली को ले जा रहा हूँ। तो जिस पोर्शन में है जिस डायरेक्शन में है आप लोग ऐसा समझो कि जिस दिशा में आप लोग किए हो कलर उसी वे पे उंगली को भी मर्ज करना है। चाहे वो मैं टिशू से करूँ या ईयरबड से करूँ या जैसे भी करूँ, आपका जिस वे में कलर है आप लोग उसी वे में करिएगा तब वो देखने में अच्छा लगेगा। ऐसा उल्टा पुल्टा मत करिएगा। देखिए मैं सीधा नहीं टान रहा, मैं इसको वैसे ही कर रहा हूँ। मेरा हाथ तो लाल हो गया यार, उंगली लाल हो गया फर्स्ट लेयर पे। तो फर्स्ट लेयर हो गया, मैं सेकंड लेयर देना जा रहा हूँ और मैं ब्राउन कलर लेता हूँ फिर से और फिर से ऊपर से सेकंड लेयर दे देता हूँ। अब देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, स्मूथ हो गया है सरफेस, इसीलिए कलर ऐसा आ रहा है। और सेकंड लेयर देते हैं मीडियम में, मैं दे दिया। अब मैं लास्ट में देने वाला हूँ तो लास्ट में भी दे देते हैं आराम से। तो ये देना हो गया, अब हम लोग इसको मर्ज करेंगे उंगली से। आप लोग देख लीजिए उंगली से मर्ज करने के बाद इसमें कैसा रिजल्ट आता है। आप लोग को अगर पसंद आता है तो आप लोग उंगली से भी कर सकते हो, बट उसमें क्या बताऊँ मैं, आप लोग को जैसा पसंद है आप लोग वैसा करिएगा। मैं तो ज़्यादा ईयरबड एंड कलर टू कलर ही करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और देखिए ये मैं कर दिया, आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख लीजिए कौन सा आपको पसंद आया और चारों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो लोग भी बताइएगा। तो ये फिंगर वाला कम्प्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं कलर की तरफ। और कलर में कुछ हम लोग डार्क यूज करते हैं। अब इसमें नीचे से डार्क रहेगा ऊपर में लाइट रहेगा, तो ये मैं कुछ नाइट टाइप का करता हूँ। ओके कौन सा लूँ मैं बता देता हूँ, ब्लैक लेते हैं। ब्लैक लेने के बाद पर्सन ब्लू लेते हैं थोड़ा सा और मैं लाइट ब्लू लेता हूँ। तो ये नाइट का सीन बन जाएगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ करके। तो फिर से ये हम लोग कलर यूज करके इसमें फेरेंगे। तो मैं ब्लैक लेता हूँ वन फर्स्ट लेयर देता हूँ, ये ब्लैक है फर्स्ट लेयर देता हूँ हल्के हाथों से, जैसे कि मैं सब में बताया हल्के हाथों से देना है फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर भी हल्के हाथों से दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा। और यहाँ पे जो है कलर टू कलर मिक्स करना है, तो कलर के ऊपर कलर चढ़ाना पड़ेगा तब वो ज़्यादा मिक्स होगा। तो फर्स्ट लेयर कम्प्लीट हो चुका है, मैं सेकंड लेयर दूंगा। तो मैं देने जा रहा हूँ सेकंड लेयर, फिर से लूँगा ब्लैक और यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करके सेम वही वे में कलर करने वाले हूँ। तो कलर टू कलर करने के लिए मुझे कलर का ऊपर कलर चढ़ाना पड़ेगा तब जाके वो मर्ज होगा। आपको उसमें भी ये जो तीनों है उसमें भी सेम ही है, कलर के ऊपर थोड़ा सा कलर चढ़ाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि एक जगह पे आकर कलर ख़त्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, वैसे नहीं। कलर के ऊपर कलर करना है अगर उसको मर्ज करना है तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर के ऊपर कलर कर रहा हूँ, मैं लाइट कलर कर रहा हूँ फिर से और मैं ऊपर में भी देता हूँ लाइट कलर। देने के बाद मैं फिर मर्ज करूँगा, पहले देता हूँ। पेशेंस रख के काम कीजिएगा, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिएगा। तो ये हो गया लाइट टू डार्क, ऊपर से लाइट टू डार्क और नीचे से डार्क टू लाइट। ओके तो ये मैं कलर दे दिया और मैं कलर से ही मिक्स कर दे रहा हूँ। ओके और कहीं कहीं रह गया वाइट कोना में टेप की वजह से, तो मैं उंगली से थोड़ा सा कर दिया। तो ये कंप्लीट हो चुका है चारों, और आपके सामने ये रिजल्ट है मेरा, चारों कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा आप लोग को ज़्यादा पसंद आया, कौन सा आप लोग यूज करने वाले हैं वो बताइएगा। तो सबसे पहले मैं टेप को रिमूव कर लेता हूँ और तब तक मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ। और जो मैं बता रहा था वहाँ पे बीच में, जो मैं बता रहा था कि आप लोग जब ईयरबड यूज करोगे तो वो नॉर्मली यूज मत करना, आपको जो कलर मर्ज करना हो वो कलर आप उसमें थोड़ा सा लगा लेना, ऊपर में जो है ना कलर निकालना, जो कलर में मर्ज करना हो वो कलर से थोड़ा सा ऊपर में उसको लगा लेना, मतलब ईयरबड में, और लगाने के बाद मर्ज करना, तब वो जो मेन कलर है वो उठ के नहीं आएगा ईयरबड में, वो वैसे यूज करना। ओके मैं बता दिया, अब मैं आता हूँ सीधा वीडियो की तरफ और देख लीजिए आप लोग को ये चारों आपको कैसा कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चारों का रिजल्ट आपके सामने है, आपको जो भी यूज करना हो आप कीजिएगा। तो ये मैं बनाया हूँ ईयरबड का यूज करके, ये वाला यूज करके मैं बनाया हूँ इसको, और इसको यूज करके ये बनाया, और जिसमें सेकेंड वाला है उसमें मैं टिशू यूज किया जो कि कलर उठ के आ जा रहा है। इसमें मैं क्या बताऊँ, यहाँ से कलर ही उठ जा रहा है। और जो थर्ड वाला है ये दोनों का हटाते हैं, और थर्ड वाला जो है उंगली का यूज किया हूँ, मैं उंगली लाल हो गया आप लोग का पता नहीं। तो इसमें ऐसे करके आया है कलर, और जो ये वाला है ये सबसे बेस्ट बना है मेरे लिए। तो ये कलर टू कलर है एंड सही डायरेक्शन में है, जो डार्क टू लाइट में आया है। तो आप लोग को देख लीजिए आप लोग कैसा लगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको कौन सा यूज करने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं सीधा टिप्स के ऊपर, तो आप लोग को ये कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो बढ़ते हैं सीधा टिप के ऊपर, तो बताते हैं टिप क्या है, चलिए आइए आप देखते हैं टिप्स क्या है।
तो मैं सबसे पहले एक कॉपी ले लिया हूँ और इसी में आपको समझाने वाला हूँ कि क्या है। तो टिप्स जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो कलर है आपको कलर ऑलवेज जो लेना है वो कैमल का ही कलर लेना है। मैं दिखा देता हूँ, ये जो कैमल है ना यही कैमल का ऑयल लेना है। इसमें जो है ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो ये अच्छा होता है कलर में। बहुत लोग क्या करते हैं कि बच्चों का लाना होता है तो पेंसिल तो चला ही नहीं, बच्चों का लाना होता है ना तो क्या करते हैं, मैं एक नंबर बता देता हूँ। एक नंबर क्या करते हैं कि कोई किसी का लाना है तो एक नंबर ये ले आते हैं या फिर दूसरा ये ले आते हैं। तो ये दोनों चीप कलर ये आपको नहीं लेना है, आपको लेना है ऑलवेज यही कलर ताकि वो बच्चा जो है अच्छा कर पाए। अच्छा करो, सस्ता में ज़्यादा मत जाओ, वो कर भी नहीं पाएगा और उसका मन भी नहीं करेगा करने का। तो जो टिप्स है सबसे पहले मैं वो दे देता हूँ। टिप्स यही है कलर के ऊपर ही है कि कलर आपको लेना है वही कैमल का ऑयल पेस्टल ही लेना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और टिप्स में सबसे पहला कि कैमल का ऑयल पेस्टल, कैमल ऑयल पेस्टल TL, तो यही लेना है आपको कलर में, और कोई चिप नहीं लेना है। चिप लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा, कलर का भी बच्चे का भी मन नहीं करेगा, तो चिप ही लेना है, मतलब चिप नहीं लेना है, कैमल ही लेना है। तो दो नंबर ये रहा, एक नंबर तो कैमल का लेना है और दो नंबर क्या रहा कि मिक्सिंग का ऊपर मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत लोग बहुत गलत डायरेक्शन में मिक्सिंग करते हैं, बहुत गलत वे में करते हैं, तो मैं बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं मिक्सिंग। बहुत लोग क्या करते हैं कलर ऐसे पकड़ के ऐसे राउंड राउंड भी करते हैं बहुत जगह पर, मैंने देखा भी है किसी किसी को। तो ये गलत डायरेक्शन है और इसमें अगर आप मर्ज भी करने जा रहे हो तो ये देखो कैसा लगेगा, राउंड में कभी होता ही नहीं है, देखो कैसे लग रहा है, टट्टी ऐसा लग रहा है, ये एकदम फालतू है, ऐसे तो नहीं करना है। सो मैं काट देता हूँ और इसमें सही वे आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले बहुत हल्के हाथों से पकड़ना है और इसको भी पकड़ना है बहुत हल्का ही, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, बहुत हल्का पकड़ना है और ये थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा सामने की तरफ, जैसे आप लोग ज़्यादा ऐसे भी नहीं ज़्यादा ऐसे भी नहीं, जैसे मैं बता देता हूँ जैसे आप लोग पेंसिल पकड़ते हो ना ऐसे, इसी को थोड़ा सा आगे निकाल के पकड़ना है और थोड़ा हल्का पकड़ना है, ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है। और पकड़ने के बाद हम लोग राइट वे में करते हुए आएंगे, प्रेशर देंगे, प्रेशर कम टू ज़्यादा होगा। तो प्रेशर पहले मैं ज़्यादा दिया फिर मैं प्रेशर कम देते आ रहा हूँ ना, तो देखिए वो लाइट की तरफ आ गया, देखिए आया ना डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट आया ना। अब मैं अगर मिक्स करना चाहूँ तो मैं दूसरा कलर लूँगा और इसका मिडिल से वही सेम में पकड़ा, वही सेम प्रेशर देके प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देंगे, फिर देते 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 हल्का प्रेशर देंगे तो वो लाइट में आ जाएगा। देखिए आप लोग तो ये लाइट में आ रहा है, देखिए अब ये मैं लाइट में ला रहा हूँ, देखिए आया ना डार्क टू लाइट आया ना, देखिए ऊपर डार्क के नीचे लाइट आ गया, ये सारा प्रेशर का कमाल है, लाइट टू डार्क आया, डार्क टू लाइट आया ना। तो यही बात है, तो यही दो टिप्स था, ये आपको नहीं करना है, ये आपको फॉलो करना है। तो आपको टिप्स कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सही वे में कलर कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए आप लोग लाइक वाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।